मेरे पेट को इतनी महंगी चीजें पचाने की आदत नहीं है। हाँ चाय अच्छी लग रही है ये, तभी तो मुझे नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम भोपाली एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे फॉर द जस्ट लव ब्लॉगिंग। तो आज हम एक और क्रेजी सा इनसेन सा और मेरे पॉकेट को बहुत ज्यादा लगता हुआ चैलेंज करने वाले हैं। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। आई एम गोइंग टू टेक द स्टारबक्स चैलेंज फॉर लेजिट 24 आवर्स। जो भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टारबक्स से ही होगा। पेट का तो मतलब मुझे चिंता ही नहीं है, मुझे सिर्फ चिंता है मेरे वॉलेट की। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा खाने के लिए पीने के लिए। हम पूरा उनका जो मेन्यू है वो छान लेंगे। मैं स्टारबक्स अभी तक सिर्फ 2 ही बार गई। बिलीव मी इट इज एक्सपेंसिव, मतलब ऐसे पूरा दिन खाना हो ना तो दिवाला निकल जाएगा आपका। बट एनीवेज मजा आएगी चैलेंज करने में। एंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस चैलेंज आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक मीशो फॉर पार्टनरिंग विद अस इन दिस वीडियो। सो बेसिकली मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जिसमें आप घर बैठ के पैसे अर्न कर सकते हो, जिसके बारे में एक ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। पहले चलते हैं हम कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि योर गर्ल नीड्स टू हैव चाय। मेरी मॉर्निंग चाय मुझे अभी तक नहीं मिले। हम स्टारबक्स जाके चाय पीने वाले हैं गाइस, प्लीज डोंट जज मी। चलो इसे ये बोल रही थी जब ये ऐसे अच्छे चैलेंजेस किया करे फूड वाले तो मुझे बुला लिया कर, मैं हेल्प करूंगी। हेल्प करूंगी बिल लंबा करवाने में। नो, इससे पहले वाली जो आपने फुटेज देखी थी ना, वो इंट्रोडक्शन वाली, उसका कैमरा मैंने पकड़ा था। हाथ में दर्द होने लग जाता है। ट्राइपॉड मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है ट्राइपॉड, मैं जुगाड़ भी लगा लेती हूँ। नहीं, आई हेल्प हर अ लॉट। अफोर्ड तेरा स्टारबक्स का बिल। डूड दे एंजॉय गाइस, वी ऑल एंजॉय। डूड दे एंजॉय गाइस, वी ऑल एंजॉय। सब इसके वीडियो में आते हैं क्योंकि हम इसके उड़ाते हैं यू नो, ऐसे करके मजा आता है देखने में। सो या एंड गाइस लेट मी नो अगर आपको देखना है वी गाइस कंट्रोलिंग ईच अदर्स लाइफ। लाइक आई नीड टू डू दैट, इतना मजा आएगा ना, मैं इसका पूरा एक दिन कंट्रोल। और मैं वो सारी हरकतें चीजें काम करवाऊंगी जो कभी नहीं करती। सेम बाय सेम 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 ना या। सो वी आर हियर एट स्टारबक्स गाइस। तो सुबह सुबह यहाँ पे तो स्टारबक्स में कोई नहीं है गाइस। बिलीव मी जब यहाँ पे नया नया स्टारबक्स खुला था ना, यहाँ लाइन लगी हुई थी। इतने ज्यादा क्रेजी लोग थे, बढ़िया लेट गो इनसाइड। और ये सुबह 7 o'clock खुल जाता है, मैंने चेक किया था, और रात के 12 बजे तक खुला रहता है। सो यहाँ पे लेट्स गो। Quite complicated yes. Guys, the staff here is so kind and so sweet. Itni sweet si lady hai yahan pe. Okay guys, so our breakfast is here. So ye hai मेरी चाय टी लाटे, मोका हेजलनट क्रश, तो ये जानवी का है। एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट, दिस इज वेज सैंडविच। एंड ये टोटल मुझे मेरा पूरा ब्रेकफास्ट पड़ा है 856 रुपीज़ का। 860 रुपीज़ का तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट कंज्यूम करी। इतने में ना मतलब राशन आ जाए पूरे दिन के लिए, वो भी पूरे घर का। ट्राई अब आप देख सकते हो चीज एंड एवरीथिंग nice. अगर वापस कभी खाने के लिए बोला तो खाएगी, मतलब स्पेशली आके। मेरा ऐसा है कि मैं स्पेशली आके इसे नहीं खाऊंगी, मैं डैट मीच फैन। मेरी गेट वॉज नाइस, अभी तो मुझे भूख लगी है तो अभी तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि। और चाय चाय अच्छी लग रही है। आई एम जस्ट गोना ट्राई जानवी कोल्ड कॉफी, चाय के ऊपर कोल्ड कॉफी, बहुत अच्छा नाइस। इसके ऊपर वो चॉकलेट का विप क्रीम है, दिस इज ऑल्सो नाइस। तो मुझे इनके सैंडविच से अच्छा
इनकी चाय और ये हेज़लनट लगा। मुझे ना सिर्फ देसी ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, मुझे आलू परोठा ऐसा ऐसा हैवी अमीर ब्रेकफास्ट खाने की आदत है। इसी ब्रेड से मेरा कुछ नहीं होता। मतलब फरसान खाने की आदत है सुबह सुबह, ऐसे देसी सेवरी आइटम्स खाने की आदत है। यहाँ पे तो मुझे ना सर ऐसे ब्रेड और रैप्स और बड़े अंग्रेजी ब्रेकफास्ट दिखाई दे रहे हैं। गाइस वी आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कॉफी मग हियर, यू कैन सी बड़ा लोग हाउ मच इज दिस। This is for freaking 2,000 rupees, guys. 2,000 rupees का कॉफी है। Oh my god, what a fancy hairstyle. Anyways, guys, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्लीपी लग रही होंगी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बस आप ही लोगों की तरह हूँ, मुझे पढ़ाई के नाम पे नींद आ जाती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट तो वी कांट हैव दैट आउट। और अभी हो गया लंच का टाइम, तो मुझे लगी है भूख। और यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें मैं पैक करा के लेके आई थी वो है जैसा है वो, दिस इज ग्रीन इन कलर सी। तो ये छोले का कुछ तो था जो मैंने मंगवाया था, अब मैं इस पर सोच इसको रीहीट कर लेती हूँ। अरे ये तो चुंदा है गाइस, बिलीव मी दिस इज चुंदा। वेट, गाइस ये चुंदा है, स्टारबक्स वाले चुंदा बेच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन चटनी है। हाँ ये सेम वैसी लग रही है जैसे मेरी मम्मी घर पे बनाती है, और आपकी मम्मी भी ऐसी चटनी घर पे बनाती होगी। हाँ तो और हमारे पास यहाँ पे है ये स्टारबक्स का फ्रैपचिनो कैरमल फ्लेवर, इसको पी के देखता हूँ। क्या मस्त बॉटल, आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं इस बॉटल को वापस रीयूज करूँगी। नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ दिस, दिस इज एक्चुअली नाइस। इसके अंदर छोले है, पनीर है, और यू नो थोड़े बहुत शिमला मिर्च प्याज और चीज़ के साथ उसकी स्टफिंग है। दिस इज एक्चुअली नाइस एंड आई हैव नो क्लू ये कौन से मतलब मटेरियल से बना हुआ है। दिस इज ग्रीन इन कलर बट जो भी इट इज़ टेस्टी। तो मुझे जो इनका ये छोले वाला रैप है ये तो काफ़ी अच्छा लगा। पता नहीं कोई तो ना वो चॉकलेट आती है कैंडी टाइप, आई गेस कॉपी को या ऐसा कुछ तो नाम था उसका, बिल्कुल उसकी तरह टेस्ट कर रही है। मतलब उसको पिघाल के दूध में मिला दिया और ऐसा कुछ टेस्ट कर रही है। एनीवेज गाइस करेंटली इट इज 4:20 और ये चाय पीने वाला टाइम हो गया है। मेरे लिए अभी शाम की चाय होने वाला है ये। इस पे मैंने अभी ध्यान दिया, लिखा है बर्स्ट ऑफ रिच स्वीटनेस, जो बिल्कुल सही है, ये काफ़ी ज़्यादा मीठा है। मुझे ना कुछ तो नमकीन और तीखा सा खाना है, कुछ वैसा खाना है, पर मैं अभी कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। जो मैं खा रही हूँ बहुत टेस्टी है लिटरली गाइस, जानी इज हैविंग सम यम्मी कोफ्ता चावल, मतलब मत पूछो, बट कोई बात नहीं, यू नो स्टारबक्स इतना स्वीट है ना दीदी, कैसा है? हाँ बहुत ज़्यादा मीठा है। तो बस अभी मैं फटाफट ये फिनिश करती हूँ, और जानवी को मुझे छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि फाइनली हमारे घर से ट्रैश को हम बाहर भेज रहे हैं। हेलो गाइस, सो वी आर फाइनली मेड इट टू स्टारबक्स। पर मेरी शक्ल ना ऐसी स्ट्रीट फूड की आलू पूरी जैसी लग रही है, तो पहले मैं इसे ठीक कर लूँ। और अभी यहाँ पे कॉफ़ी की जो स्मेल है, जो यू नो जो अरोमा है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड द वाइब विच यू गेट हियर इन स्टारबक्स इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ बैठ के काम करने में बहुत मज़ा आएगा, यू नो आपको एडिटिंग करनी हो या यू नीड टू प्लान समथिंग, बिकॉज काफ़ी सारे लोग अपना लैपटॉप लेके काम कर रहे होते हैं, तो एक यू नो इसे पूरा एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब वाला माहौल होता है। बट माहौल वाहौल छोड़ता है, पहले कुछ खाने को ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे ये बटर स्कॉच आलमंड कुकी लेके आई हूँ, आई एम जस्ट गोना गिव दिस अ ट्राई। सो यम्मी, दिस वन इज एक्चुअली क्वाइट गुड। सो या दिस इज ट्रिपल मोका डिलाइट, आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस।
पता है हॉट चॉकलेट जैसा है, जैसा मम्मी हमें घर पर हॉट चॉकलेट बना के देती थी ना बचपन में, दिस इज एक्चुअली लाइक दैट. यस, तंदूरी पनीर सैंडविच एंड दिस लुक्स क्वाइट डिलीशियस. मुझे एक्चुअली बनाना वाला कुछ चाहिए था पर वो था नहीं, सो आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस ब्लूबेरी जावा चिप. ये वैसे मैं मेरे पर्पल फूड चैलेंज में पी सकती थी बट नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, दिस इज थोड़ा सा वियर्ड. आलमंड कुकीज क्वाइट नाइस, तो मैं अभी फटाफट खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. बाय. हेलो गाइस, सो आई एम बैक होम और मेरे पास यहाँ पे है मोका कोको क्रम्बल, ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे याद नहीं है. हाँ, मोका चोको क्रम्बल ऐसा कुछ है. एक्चुअली ये उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था. सो दिस इज एक्चुअली नाइस. थोड़ा ज़्यादा मीठा है पर अच्छा है. मैंने जितना महंगा महंगा खाया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, यू नो, मेरे डाइजेशन सिस्टम इतनी महंगी चीज़ें पचा भी पाएगा नहीं. मेरे पेट को ऐसा लग रहा है इतना महंगा खाया है, थोड़े दिन रखते तो है इसको अंदर. इट इज हेल एक्सपेंसिव. आई एम सॉरी टू ऑल द स्टारबक्स लवर्स. बींग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ना ऐसे एक आध दो ड्रिंक लेके आ जाती हो तो ठीक है. अगर आप ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐसे डिसाइड करके जाते हो, ब्रेकफास्ट करोगे या लंच करोगे या यू विल हैव अ पार्टी देयर, वैसे कुछ सोचता नहीं होगा बट स्टिल. हेलो गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और मुझे अभी मेरा लंच खाना है. मुझे भूख तो नहीं लगी हुई है क्योंकि वो जो कुछ तो था वो चोको क्रंच कुछ तो था, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी था, मतलब उससे मेरा पेट अच्छे से भर गया था. अगर मुझे सचमुच पता होता कि मेरा पेट भर जाएगा तो मैं और चीज़ें नहीं लेके आती, तो मैं किडनी का में से थोड़ा सा कुछ हिस्सा तो बचा सकती थी. बट मैं दो चीज़ें लेके आई हूँ. अब इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, देख रहे हो. ओके गाइस, सो माई सैंडविच इज़ हियर एंड कैन यू सी दैट, दिस लुक्स क्वाइट यमी. और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा, यस, कोई तो सीड्स हैं क्या, दे आर पम्पकिन सीड्स, बट अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए फिर मैं. तो जब तक हमारी ये जो सैंडविच है जो ठंडी थी हमने जैसे गर्म किया, अभी ज़्यादा गर्म होगी तो हम इसे ठंडा होने का वेट कर रहे हैं. जब तक ये नॉर्मल हो रही है तब तक मैं ये स्टारबक्स से काजूज लेके आई थी, दे आर रोस्टेड एंड सॉल्टेड, वही नॉर्मल काजू हैं जैसे आते हैं. एंड हल्का नमक पड़ा हुआ है. ओके ओके, नॉट अ ह्यूज फैन कि मैं वापस जाके इसे ऑर्डर करूँगी. इट्स नाइस बट हाँ, वो जो क्रंच वाला जो था दैट वॉज नाइस. जावा चिप अच्छी है इनकी, मुझे तो उनकी चाय भी अच्छी लगी बींग वेरी ऑनेस्ट. तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है ना, यू शुड गिव इट अ ट्राई. लाइक इफ यू आर अ कॉफ़ी लवर ना, आपको एक बार तो स्टारबक्स जाके नो उनकी कॉफ़ी ट्राई करनी चाहिए. बट इफ़ यू आर अ फूड लवर ब्रो, आप बहुत गलत जगह हो. फ्रेंकली इट इज़ एग्जैक्टली 12 o'clock और मैं बस थोड़े बहुत काम फिनिश कर रही थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे मतलब छटर पटर वाली भूख लगी हुई थी. बट मुझे सैंडविच नहीं खानी, भूख भी नहीं लगी हुई थी बेसिकली. वो होता है ना, आप कुछ काम करो तो आपका मन करता रहता है कुछ ना कुछ ऐसे मनचौन करने के लिए. बड़ी अच्छी पैकेजिंग करके इन्होंने दी थी. सो दिस इज़ कुछ तो इसको बोलते हैं, मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं. सो आई एम जस्ट गोना लाइक हैव अ सिंगल बाइट ऑफ दिस. This is so yummy, guys. Yes, can you see that? This is so yummy. मैंने आज सुबह से बहुत सारा मीठा खाया. Still, I'm loving this. Hello, guys. A very good morning. So currently it is 9:30 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी. And I'm just munching on this cashews. तो मेरे दिन की शुरुआत आज कुछ मीठा खा के हुई है. Actually, this is yummy. This is for 270 rupees. मतलब अगर मैं इसमें थोड़ी सी और अमाउंट ऐड कर देती ना तो एक अच्छा सा केक आ सकता था.
इनके पास खाने में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है एंड द मेजर थिंग इज कि इट इज़ हेल एक्सपेंसिव. अगर आप यू नो एक सिर्फ कॉफ़ी लेने चाहते हो, एक फ्रापचिनो लेने चाहते हो, इट्स फाइन. एंड जो उनके खाने के ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है. अफकोर्स दे आर लाइक बेस्ट एट देयर ड्रिंक्स. उनके कॉफीज, उनके फ्रैपेचिनोज आर यम. आई एंजॉयड डूइंग दिस चैलेंज. द बेस्ट थिंग अबाउट स्टारबक्स इज देयर वाइब. मतलब जो एक पूरी वर्कोहॉलिक वाइब है ना, लोग अपना लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे होंगे, मीटिंग्स चल रही होंगी. सो द वाइब विच यू गेट देयर इज यू ऑल्सो जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक आई शुड ऑल्सो वर्क हार्ड टूवर्ड्स माई गोल. सो दैट्स द बेस्ट थिंग. अगर आप घर पर काम करके परेशान होंगे, यू कैन जस्ट ग्रैब योर लैपटॉप, गो देयर, हैव सम कॉफी एंड यू कैन वर्क. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट स्टारबक्स. बट हाँ, एक ही कॉफी लेना या एक ही फ्रैपेचिनो लेना, वरना. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द ऐप कॉल्ड मीशो, मीशो एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है. तो पहले तो आप इसे प्ले स्टोर पर जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए. जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी. तो आप इन प्रोडक्ट्स पर अपना स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है 199 रुपीज़, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन 150 या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपको ऐड कर सकते हैं. मान लीजिए आपने एक 199 के प्रोडक्ट पे 100 रुपीज़ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है. सो नाउ द प्रोडक्ट्स प्राइस इज ₹299. अब आप उस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लेंगे. आपके थ्रू अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड किया है वो विद इन 7 डेज डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा और मीशो आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा. ये स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, और इवन अगर आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे होते हो, एक पार्ट टाइम जॉब के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन. You can just check the description box. But yeah, I enjoyed doing this challenge. अगर आपको चैलेंज देखने में मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको और कौन से चैलेंजेस देखने हैं. आई एम गोना मीट यू इन माई नेक्स्ट वन. तब तक बाय, टेक केयर, बाय, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज. बाय.